अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण की सीमाएं। तो रासायनिक समीकरण से कुछ बातों की जानकारी नहीं होती, जैसे अभिकारकों एवं उत्पादों की सांद्रता की जानकारी नहीं होती। दूसरा, गति व समय की जानकारी नहीं होती कि कितने समय में पूरी हो रही है, गति क्या है। परिस्थितियां का पता नहीं लगता, परिस्थितियों की जानकारी नहीं होती। ताप क्या है, दाब क्या है, अवस्था का पता नहीं लगता। ऊष्मा परिवर्तन की जानकारी नहीं होती। प्रेरक की जानकारी नहीं होती। उत्क्रमणीयता की जानकारी नहीं होती कि अभी क्रिया रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। तो इनमें से कुछ कमियों को हम निम्न प्रकार पूरा कर सकते हैं। किस प्रकार से? तो अवस्था को शो करने के लिए जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको गर्म करेंगे क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट होता सॉलिड के रूप में, तो इसके ब्रैकेट में लिख देंगे एस। कैल्शियम ऑक्साइड ये भी क्या होता है? सॉलिड होता है, ब्रैकेट में लिख देंगे एस। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? गैस के रूप में, ब्रैकेट में लिख देंगे जी। और एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर ले लें, क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड होता है सॉलिड के रूप में, जल होता है लिक्विड, एल लिख देंगे ब्रैकेट में। और ये क्या था? जलीय विलयन एक्वेटिक सॉल्यूशन, ब्रैकेट में लिख देंगे एक क्यू। इस प्रकार ब्रैकेट में लिखकर अवस्था की जानकारी दे सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इसको कहा जाता है बिना भूजा चूना। और ये है बुझा हुआ चूना या चूने का पानी। इसको चूने का पानी भी कहते हैं। वैसे नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड। परिस्थितियों की जानकारी के लिए ताप और दाब क्या है, उनको हम लिख देते हैं तीर के ऊपर, जैसे N2+3H2। इस अभिक्रिया के लिए 773 केल्विन टेम्परेचर और 200 एटमोस्फेरिक प्रेशर की आवश्यकता होती है, अब बनती है अमोनिया। तो कंडीशन को शो करने के लिए उसके ऊपर लिख देंगे ताप और दाब को अभिक्रिया के तीर के ऊपर। ऐसे ही ऊष्मा में परिवर्तन अगर हो रहा है, ऊष्मा अवशोषित तो हो रही है या ऊष्मा मुक्त हो रही है, मुक्त होती है तो ऊष्मा छेकी प्रक्रम होता है, अवशोषित तो होती है तो उसमें शोषी प्रक्रम होता है, प्रोसेस होता है NH3, 2NH3। तो जैसे अमोनिया बनने की अभिक्रिया उष्माक्षेपी होती है, उष्माक्षेपी के लिए प्लस यूज करेंगे,
उसमें अगर मिलती है, मुक्त होती है, तो प्लस लगाएंगे और आगे लिख देंगे उसकी मात्रा। जैसे यहां पर 10.5 किलो कैलोरी पर मोल प्रति मोल। यदि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, अवशोषित हो रही है, जैसे N2+ और 2 2NO, अवशोषित होने पर उसमें श्वसन प्रक्रम होने पर माइनस लिखेंगे और उसकी मात्रा 21.6 किलो कैलोरी प्रति मोल। इस अभिक्रिया में हमें इतनी ऊष्मा देनी पड़ेगी। उत्प्रेरक को शो करने के लिए अभिक्रिया के तीर के ऊपर लिख देते हैं, जैसे यहां आयरन उत्प्रेरक की जरूरत पड़ती है तो वो उसके ऊपर लिख दिया Fe। यदि उत्प्रेरक वर्धक है कोई, जैसे यहां पर मोलिब्डेनम होता है, उसको भी ऊपर लिख देंगे। और एग्जांपल लेना चाहो तो जैसे एथीन का हाइड्रोजनीकरण, इस पर हाइड्रोजन की क्रिया होगी उत्प्रेरक निकिल की उपस्थिति में, निकिल चूर्ण। उत्प्रेरक को कहां लिखते हैं, तीर के ऊपर लिखते हैं। और यहां क्या बनेगा प्रोडक्ट, एथेन, ये एथीन और ये एथेन। यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, दोनों तरफ चलती है, दोनों दिशाओं में गति करती है, क्रियाकारकों से क्रियाफल और क्रियाफलों से वापस क्रियाकारक प्राप्त होते हैं, तो इसे कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, तो तीर का निशान इस प्रकार का लगाते हैं, एक इधर एक इधर, ये निशान है, ये चिन्ह है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। तो इस प्रकार हम रासायनिक समीकरण की सीमाओं को काफी हद तक पूरा कर सकते हैं।